हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज है 15th of September और ऑलमोस्ट एक बज चुके हैं। देखिए कल हम क्या है, सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। कल है थर्सडे और हम बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। कोटा से ऑलमोस्ट हमें 8 घंटे के आसपास लगने वाला है, इसीलिए आज बहुत सारे काम है जो हमें कंप्लीट करने हैं और आप सभी को मैं मेरे साथ रखने वाला हूं। अभी सबसे पहले ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 1 बजे मुझे पर्सनली जाना है एक मीटिंग में। हुआ क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है, एक बहुत ही मज़ेदार। कोटा नागरिक बैंक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में मेरा नॉमिनेशन हो गया है और अब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जैसे एक्ट करूंगा कोटा नागरिक बैंक में। उनकी आज पहली मीटिंग है जिसमें हमें जाना है, तो चलिए सबसे पहले उस मीटिंग में चलते हैं। सो आज तो जो हमारी पहली बोर्ड मीटिंग थी उसमें मैं जाके आ चुका हूँ और आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी। आज तो क्या हुआ, हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर मैंने अगली बार की मीटिंग का रिकॉर्ड करने का और आप सभी को भी बताने का कि किस तरीके से बैंक की बोर्ड मीटिंग होती है, क्या क्या पॉइंटर्स आते हैं, परमिशन ले ली है। तो अगली बार आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरी की पूरी किस तरीके से एक बैंक की बोर्ड मीटिंग होती है, कैसे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, वो भी एक आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी जस्ट मैं घर पहुँचा ही था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी कार थी ऑडी, मतलब सिर्फ 1.5-2 महीने भी नहीं हुए और उसके टायर में कुछ इशू आ गया है और टायर में है कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हुआ क्या था, आपको स्टोरी बताता हूँ, वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ऑडी से कभी ऐसा हो सकेगा। हुआ ये था कि जो हमारी कार थी ना, जब आई थी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही, जो फ्रंट टायर है ये देखिएगा, जो फ्रंट टायर है ना, इसमें कुछ डिफेक्ट आया था। जब ये डिफेक्ट आया था तो इसके लिए हमने इसे भेज दिया था वापस से सर्विस सेंटर में, ठीक होके आ गई। जब ठीक होके आई, जो नया टायर लगा हुआ आया था दैट वॉज ऑफ 2018 मैन्युफैक्चर। हमारे ड्राइवर भैया ने, हमारे ब्रिजेश भैया ने बोला और कहा कि यार ये तुमने गलत किया है। उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहो, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। और जैसे ही होते हैं 10 दिन ऊपर, वापस से इस टायर में आ जाती है दिक्कत। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल हम पहली बार सालासर बालाजी कार लेके जाने वाले थे और सीधे ये दिक्कत आ गई है, बिकॉज 2018 का आउटडेटेड प्रोडक्ट लगाया था। मुझे पर्सनली ऑडी से ये ओपिनियन थी, आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट पे। ये कंप्लीट देखिएगा, टायर की रिम पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है और इससे पूरा का पूरा रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। अब ऑलमोस्ट शाम के 8 बज चुके हैं, मुझे जाना है भारत होटल में। बेसिकली एक बहुत ही सुपर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है JCI इंडिया, वो मुझे एक अवार्ड दे रही है जिसका नाम है बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो उसके लिए मुझे भारत होटल में जाना है, चलिए तो चलते सीधे भारत होटल में। खुशी की बात ये कि अनंत मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, ही वॉज अ वेरी यंग CA और ही वॉज इन अर्लियर डेज मॉडर्न स्कूल का के हेड बॉय भी थे। और ये अवार्ड चैप्टर लेवल पे, जोन लेवल पे और इंडिया लेवल पे दिया जाता है, तो एक काफ़ी सालों से चल रहा है। तो हम जो चैप्टर लेवल पे अभी अनंत जी को अवार्ड दे रहे हैं और मैंने प्रेसिडेंट मैम को बोला है कि आप इस इनकी नॉमिनेशन हम स्टेट लेवल पे भी भेजें, क्योंकि 9 और 10 अक्टूबर को जोधपुर में जोन कौन है और एक हमारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि हमारे चैप्टर से अगर किसी को स्टेट लेवल का प्राइज मिलता है तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी और फिर हम नेशनल लेवल के लिए भी बिट कर सकते हैं। सो आई थिंक वेरी यंग, वेरी डायनेमिक, वेरी पॉपुलर। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा सर, हम एक NLP का बैच कर रहे थे, वी ऑल्सो डू NLP कोर्सेज अक्रॉस इंडिया। तो एक और हमारे भी ऐसे मतलब ऑनलाइन वी डू लॉट ऑफ मार्केटिंग, सो पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट इवन अभी हमारा एक NLP का बैच चल रहा है, उसमें दुबई से भी एक पार्टिसिपेंट है। तो एक पार्टिसिपेंट को स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वी डू लॉट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग, तो ये आज सो मेनी क्वेश्चन। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं तुमको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करता हूँ, ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर और आप उसको देखो, उससे बहुत गाइडेंस मिलेगी एंड यू कैन डू हिज ट्रेनिंग ऑल्सो। जैसे मैंने नाम बताया सर, तो मेरा सब्सक्राइब एंड आई लिसन इन, आई हियर हिम सो मच। तो नाउ देन आई फाउंड कि यार एक कॉर्नर ऑफ अ कंट्री एंड आई एम टॉकिंग टू समबडी एंड दैट पर्सन इज रिकग्नाइजिंग, सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। सो हमारे लिए गर्व का विषय है कि कमल पत्र अवार्ड के लिए हम ये छोटे से सादा से कार्यक्रम में हम अनंत को दो, ही वॉज नॉट रेडी, बोले सर अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बट उन्होंने हमारी बात रखी, ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एक्सेप्टिंग इट कि सर अभी मुझे बहुत काम करना है, बट आई थिंक ही इज़ अ राइट पर्सन, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम।